नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा में बहस के दौरान हिंदुत्व को लेकर बयान दिया है, जिसको लेकर अंबाला में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी जी का भाषण सुना और लगा कि पप्पू अब बड़ा हो गया है, उनके संबोधन को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। वो एक बहुत ही गहरी साजिश रच रहे हैं। वो हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान का एक और विभाजन करवाना चाहते हैं। उनके भाषण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना ही देश के हित में है। 1 जुलाई से 3 आपराधिक कानूनों को लागू किया गया है, जिसको लेकर पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने हिंदुस्तानियों के लिए जो कानून होने चाहिए वो बनाए हैं। देखिए, अभी तक हिंदुस्तान अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों के तहत ही चल रहा था। ये कानून 1860 में बनाए गए थे, 1857 की क्रांति के बाद, कि दोबारा ऐसी क्रांति ना हो। ये कानून बनाते हुए हाकम और गुलाम को सामने रख के बनाए गए थे, अंग्रेजों के हित के लिए बनाए गए थे कि वो शासन यहां कर सके और उनको इसमें दिखते ना। और कभी किसी ने 70 साल तो हमें आजाद हुए होंगे, पर कभी किसी ने सोचा नहीं कि आज भी हमारे जो देश में है अंग्रेजों की बनाई हुई जो न्याय प्रणाली है वो चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने उसको निरस्त करके हिंदुस्तानियों के लिए जो कानून होने चाहिए, जो न्याय व्यवस्था होनी चाहिए वो बनाई है। लोकसभा में राहुल गांधी जी का भाषण मैंने सुना और मुझे लगा कि पप्पू अब बड़ा हो गया। उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वो एक गहरी साजिश रच रहे हैं। वो हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, वो देश का एक और विभाजन कराना चाहते हैं। विभाजन कांग्रेस के डीएनए में है। इन्होंने 1947 में भी धर्म के आधार पर देश का विभाजन कराया था। बहुत खतरनाक भाषण उन्होंने दिया है। ये जो हमारे देश की संस्कृति थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई, ये उससे परे हट गए, उसको एक तरफ छोड़ दिया इन्होंने और ये सभी को आपस में लड़ा।